बिहार की राजधानी पटना में टाइम्स ऑफ इंडिया स्थित कुम्हरार में प्रिंटिंग प्रेस ने 15 जुलाई 2011 को अंतिम बार छापा। यहां के 44 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। ये कर्मचारी पिछले 9 सालों से जस्टिस मणिसाना सिंह वेतन वेज बोर्ड को लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। इनका धरना 300 दिनों से लगभग शांतिपूर्वक चल रहा है। आप यहाँ कैसे बैठी हैं? बैठे पति के मृत्यु के बाद यहाँ बैठे। तो क्या उनका इलाज नहीं हो पाया? नहीं, पैसा के कारण इलाज नहीं हुआ। पैसा क्यों नहीं था? हटाया गया तो पैसा कहाँ से आएगा? मेरा नाम आलोक कुमार है सर, मैं पार्ट थर्ड में पढ़ता हूँ। लेकिन पिताजी की मृत्यु होने के बाद हमारी पढ़ाई जो है वो बंद हो गई है। हमारी बहन है उसका भी पढ़ाई लिखाई जो है वो बंद हो गया है। पहले जहाँ पे मैं किराए पे रहता था, पैसे ना होने के कारण वहाँ पे भी खाली रहना पड़ा। और मेरे साथ हुआ है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सर, हम लोग का जिंदगी बीत रहा था। प्रेस वाले ने कोई सहायता नहीं किया सर। जैसे भी हम मामा के ऊपर हम लोग चल रहे हैं और आगे जैसे भी होगा लड़ाई लड़ते रहेंगे सर। उसके लिए जो भी हो जाए लड़ाई नहीं छोड़ना है सर। वेज बोर्ड का केस चल रहा है, वेज बोर्ड कंपनी ने नहीं दिया, जिसका केस हम लोग ने 1998 में सुप्रीम कोर्ट में किया था। तो सुप्रीम कोर्ट से कंपनी को स्टेटस मेंटेन का ऑर्डर मिला था 5 जनवरी 2011 को। कंपनी जब देखी कि हम हार जाएंगे केस से, तो उसने प्रेस को लॉकअप कर दिया, बंद कर दिया और सारे कर्मचारी को रोड पे कर दिया। तो पेपर तो अभी निकल रहा है, वो कैसे छप रहा है? अभी आउटसोर्सिंग कर दिया कंपनी ने, दूसरे प्रेस से छपवा के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मैं ठाकुर राकेश कुमार सिंह की टाइम्स ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई था। शुरू में जब नहीं निकाला गया तो हड़बड़ा कर सारे यहाँ के मीडिया वाले आए, फोटो खींचे, न्यूज ले लिए। लेकिन काम बहना नहीं, ये लोग आपस में मैनेज के कर लिए। इसलिए कि भाई सब हम एक दूसरे मीडिया वाले हैं, हम लोग का मदद कर रहे हो। कल तुम्हारे यहाँ भी इस ढंग का होगा तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का दावा, जो उसे सच दिखता है वही वो लिखता है, सच को लिखता है। पर जब बात अपने घर की आई तो सारे सच छुपा लिए गए। हर तरह के गैर कानूनी तरीके अपनाए गए। कानून की बात करने वाले कानून का ही मखौल उड़ाते रहे। मैं अजीत बहादुर, इंडिया अनहर्ड के लिए, बिहार से।